Welcome back to yet another beautiful session. So I was saying ki last part hai aaj chapter ka. Iske pehle humne bahut sare transistors kiye hai na. Transistors are of basically two types, BJT and FET. BJT kya hai full form? Bipolar junction transistor. FET kya hai full form? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. देखो इसका मतलब वो फुल फॉर्म में ही छुपा है, ठीक है. बाइपोलर, बाय मतलब बायलैटरल बोलते हैं हम. बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब टू, है ना. बाइसिकल, बाइसिकल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसके दो चक्के हैं इसीलिए, है ना. तो सिमिलरली बाइपोलर, बाइपोलर मतलब दो पोलैरिटी के कोई बंदे हैं जो सर्किट में घूमने वाला है. वो दो बंदे कौन है? एक है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, और दूसरा है उसका दुश्मन. एक मूवी में एक हीरो होता है तो विलन भी होता है, राइट. तो हीरो, तो आप डिसाइड करो आपको कौन हीरो चाहिए. तो उसका ऑपोजिट है विलन, राइट. सेम थिंग है यहाँ पे. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो है पोलैरिटी के, टू पोलैरिटी के चार्ज्ड कैरियर्स है. एक है इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, उसका ऑपोजिट विलन कौन है? होल्स. होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो ये रास्ते से जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, माय लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो विलन इज ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट है, राइट. वो ये उसके उसके साथ नहीं जाएगा. होल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये चैप्टर में जहां जहां ट्रांजिस्टर के बायसिंग है, बायसिंग मतलब जहां जहां ट्रांजिस्टर को हमने बैटरी देखे करंट का डायरेक्शन ड्रॉ किया है, वहां वहां प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि वो स्टार्ट करेंगे तो वो ही एक वीडियो बन जाएगा. तो आई वांट टू मेक शॉर्ट वीडियोस फिर भी, क्योंकि फिर यू नो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी वही 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 बोल बोल के. तो करंट का डायरेक्शन ऑलवेज, इट्स एक्चुअली अ कन्वेंशन. वी यूज कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन. कन्वेंशनल करंट मतलब वो डायरेक्शन जहां होल्स पास होंगे. लेकिन डायरेक्टली मतलब इजियर वे है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव हो रहे हैं ये बताना ज्यादा इजी है, राइट. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक क्विक रिविजन है ये, उसके बाद फिर हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और दो तीन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. लास्ट पार्ट छोटा सा पार्ट है. क्या क्या डिलीटेड है ये चैप्टर में वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया है, प्लीज वो चेक कीजिए. काफी कुछ डिलीटेड है. डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, बेसिकली डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट डिलीटेड है, लेकिन वो मैंने एक्सप्लेन कर लिया है डिप्लीशन क्या, क्योंकि भले वो डिलीटेड है, एनीथिंग एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज इज नेवर वेस्ट, राइट. वो नॉलेज है हमारे हमारे लिए, भले आप ना उसके बारे में डिटेल में ना पढ़ो, बट यू शुड नो व्हाट इट इज, क्योंकि आप उसके सेकंड टाइप जो है एनहांसमेंट टाइप आपको लर्न करना ही है. तो दैट इज व्हाई. अब देखो मैं बताती हूँ, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. आई होप दिस इज विजिबल. ये दिख रहा है ना. अब देखो इसमें करंट का डायरेक्शन दिया है. नाउ इन सच कॉन्फ़िगरेशंस जहां पे करंट का डायरेक्शन दिया जाता है, फॉलो योर टेक्स्ट बुक. ओके, फॉलो योर टेक्स्ट बुक. एंड जब ट्रेस करते हो आप इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव होंगे यही देखना, ठीक है. एनपीएन बाहर का एरो है, मतलब एनपीएन है. तो एनपीएन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव होंगे? इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो ऐसा मूव होगा, है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन करंट तो ऐसा ऑपोजिट दिखाया है, क्यों? बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द होल्स. इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव साइन देती हूँ मैं यहाँ पे, तो होल्स का ऑपोजिटली ऑपोजिट डायरेक्शन होगा. इसीलिए उधर हमेशा हर सर्किट डायग्राम में आपको ये याद रखना है कि होल्स का जो पाथ है दैट इज ड्रॉन ओवर द सर्किट एंड इट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट.
कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, ओके, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन. सो दिस इज कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. तो आज हम लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है. हमने बीजेटी कर लिया, हमने एफईटी कर लिया, उसमें हमने जेफेट किया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. फिर हमने मॉसफेट किया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब दो जगह पी था, बीच में चैनल एन था. चैनल में से जैसे नदी दो किनारे हैं और बीच में नदी है, तो नदी जा रहा है, डिप्लीशन की वजह से वो पूरे जो बैंक्स हैं या किनारे हैं वो पास आ जाता है, जगह ब्लॉक हो जाता है, आईडी बिकम्स जीरो, ड्रेन करंट बिकम्स जीरो. मॉसफेट भी सीखे हम, इंसुलेशन लगाया था गेट के तरफ तो करंट बाहर आ ही नहीं सकता, इसलिए उसको मॉसफेट बोलते हैं. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कौन सा इंसुलेटर लगाते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगाते हैं. आज हम उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, दैट इज यूजेटी. ओके, दिस इज नोन एज यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर. हर ट्रांजिस्टर के फुल फॉर्म में ही उसका मतलब छुपा हुआ है. यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब क्या है इसका, दैट मीन्स वो पूरे जो ट्रांजिस्टर उसमें एक ही जंक्शन है, राइट, देयर इज ओनली वन जंक्शन प्रेजेंट है. इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इट्स सबस्ट्रेट यूज किया है मैंने, ओके, सबस्ट्रेट इज यू टेकन इन एंड यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक लगाया है पी का. आप समझ रहे हैं इसको यूनिक जंक्शन क्यों बोलते हैं, पी एन एक ही जंक्शन है यहाँ पे, और कहीं कोई दूसरा बंदा खड़ा है क्या, नहीं, और बंदा यहाँ पे और दूसरा बंदा खड़ा ही नहीं है, सिर्फ एक ही अलग बंदा खड़ा है यहाँ पे. बस एन एन को छोड़ के कौन से कितने लोग खड़े हैं, एक ही लोग दूसरा खड़ा है पी, बाकी तो पूरा एन ही है, पूरा सबस्ट्रेट यही है, तो कितने जंक्शन हुए, एक ही जंक्शन है ये जहां पे ये पी खड़ा है, बस यही जंक्शन अलग है, बाकी तो पूरा उसी का सबस्ट्रेट है. सो दिस इज अ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर. इसके होते हैं तीन टर्मिनल, ये जो टर्म पी से है वहां से एक टर्मिनल निकलता है एमिटर, एंड दिस इज द बेस रीजन, ये बेस है, बेस के ऊपर हमने पी रखा है ना, तो देर आर टू टर्मिनल्स B1, B2, दीज आर फ्रॉम द बेस रीजन, B1, B2, टू टर्मिनल्स आर टेकन, तो इट इज टोटली कितने हैं टर्मिनल्स, थ्री टर्मिनल्स एमिटर, इसको बोलते हैं एमिटर रीजन, ये पी को बोलते हैं एमिटर रीजन, बाकी पूरा जो एन का रीजन है इसको बोलते हैं बेस रीजन, टू टर्मिनल्स आर टेकन आउट B1 and B2, ओके. अब देर इज अ स्पेशलिटी, ये यूं ही ऐसे बना हुआ नहीं है, देर इज अ स्पेशलिटी, एंड दैट स्पेशलिटी इज दैट दिस पर्टिकुलर बेस रीजन इज वेरी वेरी लेस इन डोपिंग, लाइटली डोप्ड है. अब डोपिंग क्या है, ये चैप्टर वन में पढ़ाया है. डोपिंग मतलब उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करना, सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी ऐड करके कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा करंट, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा करंट. इज दिस एरिया एन रीजन इज लाइटली डोप्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, मेजोरिटी कैरियर्स क्या है एन में, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है उसमें, समझ में आया. सो दिस एरिया इज लाइटली डोप्ड, दिस एरिया इज वेरी मच हेविली डोप्ड, ओके. दिस यू हैव टू राइट, अगर यूजेटी के बारे में शॉर्ट नोट आता है तो आप पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, उसका आप सिंबल ड्रॉ करेंगे, सिंबल होता है कुछ ऐसे, इट इज ड्रॉन लाइक दिस, थ्री टर्मिनल्स, ओके, B1, B2 and the emitter with a slight slant, okay, with a slight slant, ऐसे बीच में होना चाहिए, मेरा थोड़ा साइड में हो गया, बीच में ड्रॉ करना चाहिए ऐसे, ठीक है, this is known as emitter. आप सिंबल ड्रॉ करेंगे एंड देन इक्विवेलेंट सर्किट में बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना.
ठीक है, तो क्या स्पेशलिटी है इसका, व्हाट इज द स्पेशलिटी? एमिटर पी टाइप का है, बेस रीजन एन टाइप का है, एंड दिस एन टाइप इज वेरी लाइटली डोप्ड. ठीक है, दैट मींस उसके जो कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम है. पी टाइप द एमिटर रीजन इज वेरी हेविली डोप्ड. हेविली डोप्ड मतलब द नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स आर वेरी मच हाई इन नंबर. पी में कौन है मेजोरिटी कैरियर्स? होल्स हैं. कैसे याद रखोगे? पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब होल्स, होल्स आर मोर इन नंबर. ठीक है, इसीलिए ये लाइटली डोप्ड है, इसलिए इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है. और ये रेजिस्टिविटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है, बेचारे कितना भागेंगे भाग भाग के भी, इसलिए इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है. इसका डोपिंग हाई है इसलिए रेजिस्टिविटी कम है. फटाफट कैरियर्स भाग सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कैरियर्स है, हेविली डोप्ड, और ज्यादा भागना मतलब ज्यादा करंट, रेजिस्टिविटी कम होगा. ठीक है, नाउ इन ये जो दो बेस रीजन्स हैं, इसका हम इक्विवेलेंट हम सर्किट बनाना चाहते हैं. ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, एक डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. दिस ओनली वन जंक्शन पी एंड एन, सो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ पीएन जंक्शन इक्विवेलेंट सर्किट, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. जैसे आपने देखा पी और एन था उसमें, तो उसके इक्विवेलेंट मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड बना दिया. उसके एक जगह पे था एमिटर, तो मैंने एमिटर को पी कनेक्टेड था, डायोड का पी है ये. मैंने हमेशा बोला है कि कैसे याद रखोगे, ये देखो उल्टा के है, उल्टा के दिख रहा है आपको, उल्टा के, दिस इज उल्टा के. उल्टा के मतलब के स्टैंड फॉर कैथोड. आई नो कि कैथोड सी से स्टार्ट होता है, मुझे पता है, बट याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ के से कैथोड याद रखो. एंड कैथोड इज नेगेटिव, तो यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव और ये है एन, एन साइड. और दूसरा बचा हुआ कौन सा होगा? पॉजिटिव एनोड, और वो हो गया पी साइड. ऐसे याद रखना डायोड, हमेशा 12th में भी ऐसे याद रखना. उल्टा के कहाँ पे आता है वो स्पॉट करो, क्योंकि डायोड कहीं क्या ऐसे होगा हमेशा, ऐसे नॉट नेसेसरी, बहुत सारे डायग्राम्स में ऐसा भी होगा, ऐसा डायरेक्शन में भी होगा, तो कैसे ढूंढ, कैसे पता चलेगा? आप उल्टा के ढूंढोगे. वैसे से उल्टा के यहाँ पे बना ना, के यहाँ पे बन रहा है, जिस डायरेक्शन जिस जगह पे के बन रहा है दैट इज कैथोड. बचा हुआ कौन सा है? दैट इज एनोड. कैथोड मींस इट इज द एन साइड, एंड पॉजिटिव जो जहां पे एनोड है दैट इज द पी साइड. तो बायसिंग ट्रैक करने के लिए भी इजी होगा. ठीक है, चलो ये एमिटर साइड था, पी था उस पे अटैच, तो मैंने ये लगा दिया. अब आपने अगर यूजेटी का डायग्राम देखा होगा, यूजेटी कैसा था? यहाँ पे पी था, बाकी सब एन था, राइट? तो ये एमिटर, मैंने एमिटर कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे दो बेस टर्मिनल्स हैं. नाउ बेस, आई टोल्ड यू रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है इसीलिए दो इंटरनल रेजिस्टेंसेस एक्ट, मतलब अपने दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी हाई है. ओके, सो द रेजिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2 इज नोन एज इंटर बेस रेजिस्टेंस, RBB. ठीक है, इंटर बेस रेजिस्टेंस है, तो वो दो रेजिस्टेंसेस दो टर्मिनल के लिए ड्रॉ करेंगे. B2 के लिए, बिट्टू के लिए एक, बिट्टू नहीं B2, B1 के लिए एक. ठीक है, ये वेरिएबल रखेंगे RB1, ये क्यों वेरिएबल है बताती हूँ. और दिस रेजिस्टेंस इज फॉर ये वाला टर्मिनल, ऊपर वाला टर्मिनल RB2. ठीक है, ये वेरिएबल इसलिए है क्योंकि जब एमिटर का वोल्टेज चेंज करते तो ये बंदा हिल जाता है, ये बंदा चेंज होता है इसीलिए. ठीक है, ये बंदा नहीं हिलता. अब हम इसको कनेक्ट करेंगे एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से, विच इज नोन एज VBB, बेस वोल्टेज, और इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, और यहाँ पे हम वोल्टेज लिखेंगे, एमिटर वोल्टेज VE. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल इंटर बेस रेजिस्टेंस RBB, टोटल बेस रेजिस्टेंस इज RB1 प्लस RB2. समझ में आया? ठीक है,
नाउ जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस होगा पीएन जंक्शन डायोड, ये क्लोज स्विच होगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। मैंने हमेशा बताया है जब ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर रेजिस्टेंस वोल्टेज फाइंड करना है, यू हैव टू यूज वोल्टेज डिवाइडर मेथड। मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव मिला है, नेगेटिव वोल्टेज है या रिवर्स बायस होता है पीएन जंक्शन डायोड, दिस विल एक्ट एज एन ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब ये ओपन हो गया, आगे वोल्टेज जाएगा क्या? जाएगा ही नहीं, दिस विल नॉट वर्क। ओके, इट इज यूजेटी एक्ट एज अ यूजेटी इज ऑफ, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड द वोल्टेज ओवर हियर। ओके, आई विल राइट वी वन ओवर हियर, इसको एक वोल्टेज का नाम दे देंगे वी वन। नाउ व्हेनेवर, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, इफ यू हैव मेनी रेजिस्टेंसेस इन स्टैंडिंग पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, और कोई भी दो रेजिस्टेंस के बीच का वोल्टेज हमको फाइंड करने बोला है, यू हैव टू यूज वोल्टेज डिवाइडर रूल, बिकॉज वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, राइट? वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो अक्रॉस वी वन, एट वी वन व्हाट विल बी माय वोल्टेज, जिस रेजिस्टेंस के ऊपर है वो पॉइंट, जिस रेजिस्टेंस के ऊपर है वो वोल्टेज का पॉइंट, वो रेजिस्टेंस को आपको पहले लिखना है। किसके ऊपर है मेरा वी वन? आर वी वन के ऊपर है, तो आर वी वन अपॉन वो डंडे पे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उसका एडिशन। इस डंडे पे कितने रेजिस्टेंसेस हैं? दो, सो दैट विल बिकम आर बी वन प्लस आर बी टू इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या है ये पूरे लूप में, ये लूप में टोटल वोल्टेज क्या है? वी बी बी इनटू वी बी बी। ओके, लेकिन आर बी वन प्लस आर बी टू क्या है? मैंने अभी लिखा था इट इज इंटर बेस रेजिस्टेंस, है ना, आर बी बी। तो मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे, डायरेक्टली नहीं लिखोगे आप, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ। आर बी वन प्लस आर बी टू इज इंटर बेस रेजिस्टेंस आर बी बी। ओके, नाउ आर बी बी क्या क्या रेंज है? 5 to 10 k ohm, किलो ओम में के रेंज में आता है आर बी बी, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये जो बंदा है, इसको हम बोलते हैं ईटा। ओके, दिस ईटा इज नोन एज इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? इसको अब सिर्फ याद रखो, इसको ये रेशियो को सिर्फ याद रखो, इट इज इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, और इसका रेंज है 0.5 to 0.8। यूनिट होगा क्या? यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये भी ओम्स में, ये भी ओम्स में, ओम ओम कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो आर बी वन अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस इज नोन एज इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा। ईटा कैसा लिखते हैं? ऐसे। ओके, एन, फाइन, इट इज इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, एंड व्हाट इज द रेंज? 0.5 to 0.8। ओके, सो व्हेन इज द यूजेटी टर्न्ड ऑन? इट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, व्हेन वी इज इक्वल टू वीपी, दैट इज पीक वोल्टेज, ठीक है, तब यूजेटी ऑन होगा। जब भी ये फॉरवर्ड बायस होगा, पीक वोल्टेज तक आ जाएगा वीई, तब ये क्लोज्ड स्विच होगा, दिस विल एक्ट एज अ क्लोज्ड स्विच, पूरा वोल्टेज चला जाएगा अंदर, इट विल बी ऑन, स्विच्ड ऑन। रिवर्स बायस में दिस विल एक्ट एज एन ओपन स्विच, ये पूरा यहाँ पे कट हो जाएगा, वोल्टेज अंदर आगे जाएगा ही, फाइन। अभी आपके टेक्स्ट बुक में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, बट दैट इज कैंसल्ड, सो टू बी प्रिसाइज पेज नंबर 148, फड़के पब्लिकेशन पेज नंबर 148, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी को क्रॉस कर दीजिए, दैट्स नॉट देयर, दैट इज डिलीटेड। जितना मैंने अभी बताया सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है। ओके, सो क्विकली हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, चैप्टर यहीं खत्म होता है, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फटाफट। ओके, अल्फा मैंने जैसे बताया था, अल्फा बीटा पे क्वेश्चन डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस। सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स प्लीज कीजिए, पेज नंबर 149 पे जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है वो प्लीज कीजिएगा। ओके,
चलो लेट्स टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स. बिफोर दैट वी विल जस्ट सम अप सम फॉर्मूले विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस, कॉमन बेस प्लीज पूरा लिखिए. कॉमन बेस करंट गेन इज अल्फा विच इज इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट. फाइन. नेक्स्ट, कॉमन एमिटर करंट गेन, कॉमन एमिटर करंट गेन, उसको हम बोलते हैं बीटा. कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा. ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं. फाइन, अगर बीटा आपको ये ICIE ऐसा कुछ नहीं दिया है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड इट बाय अल्फा. ठीक है, बीटा इज अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा. अगर अल्फा हमको नहीं पता है, ICIE ऐसा सब कुछ नहीं दिया है, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला. इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट. ओके, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो काम वो मतलब यूज करना ही पड़ता है फॉर्मूलेज में. एमिटर करंट इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी. ये हमेशा यूज करना पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं देते हैं हमको, एक या दो देते हैं. आई फिर फाइंड करना पड़ता है. अल्फा के लिए आई चाहिए तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. ठीक है, अब अगर डीसी करंट गेन बोला, डीसी करंट गेन, तो वो आप अल्फा का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो. देयर इज अनदर फॉर्मूला यू कैन यूज ओवर हियर, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन. इसको डीसी करंट गेन भी बोल सकते हैं. डीसी करंट गेन, बहुत सारे नाम होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है. डीसी करंट गेन बोला तो भी अल्फा यूज करना है, सिर्फ उसको क्या करना है, इधर नीचे डीसी डाल देना. अल्फा डीसी इज इक्वल टू बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी प्लस वन. ठीक है, करंट गेन बोला तो भी सेम, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का गेन बोला तो सिंपल अल्फा. अगर डीसी वर्ड आया तो उसको सफिक्स दे देना डीसी. ठीक है, दीज आर सम मेजर थिंग्स विच यू नीड टू रिमेम्बर. आई थिंक यू गुड टू गो विद दिस मच. फाइन, ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम. फर्स्ट कैलकुलेट, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिख लिया होगा. आई डोंट, आई हैव स्टॉप बिलीविंग इन स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हो ना तो वो वहीं रह जाता है. ऑन द अदर साइड अगर आप टेक्स्ट बुक में ये सब लिख लेते हो तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है. ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. ओके, पहला वाला, फाइंड द DC current gain, find the DC current gain of a transistor. Find the DC current gain of a transistor in CE configuration. Find, क्या बोला मैंने, find the DC current gain of a transistor in CB configuration if its current gain in CE configuration, if its current gain in CE configuration is 89. ठीक है, current gain in CE configuration, इसके पहले मैंने formula लिखे थे CE configuration के लिए. CE configuration के लिए क्या कौन सा use होता है? CE configuration के लिए होता है beta, है ना? तो बीटा डीसी दिया गया है 89. आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड. आप ऐसे ही मेथड में लिखोगे ट्वेल्थ में भी, टू फाइंड डीसी करंट गेन इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन. सीबी कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है करंट गेन? अल्फा. तो अल्फा डीसी फाइंड करना. सॉल्यूशन,
क्या रिलेशन है दोनों में, अल्फा और बीटा का? अभी अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने, अल्फा अगर बीटा है तो अल्फा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, है ना, ये डीसी है इसलिए हम सब जगह डीसी लिखेंगे. फाइन, सब्स्टिट्यूट 89 अपॉन 89 प्लस वन, राइट, दैट इज 89 अपॉन 90. डिवाइड करते करते आपको आंसर मिलेगा 0.988. यूनिट इसमें नहीं होता, इट इज डज नॉट हैव एनी यूनिट. ओके, लास्ट प्रॉब्लम. लास्ट प्रॉब्लम, given that emitter current in a particular configuration of transistor, emitter current is 1.1 milliampere, okay, 1.1 milliampere, and collector current is 0.87 milliampere. ठीक है, एमिटर करंट दिया, कलेक्टर करंट दिया, ठीक है, फाइन. एक काम करते हैं, एमिटर करंट को हटा देते हैं, बेस कर देते हैं, एंड वी मेक इट 0.7 मिलीएम्पियर. ओके, बेस करंट इज 0.7 मिलीएम्पियर एंड कलेक्टर करंट इज दिस मच. फाइंड अल्फा. ओके, कैसे फाइंड करोगे अल्फा? अल्फा का क्या है फॉर्मूला? अल्फा का फॉर्मूला है, अभी अभी बताया था, अल्फा का फॉर्मूला है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आईई. आईसी अपॉन आईई है, आईई दिया है क्या? आईई दिया है नहीं, आईई दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे? बट आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी. मिला आपको? समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, आप दोनों को ऐड कर लेते हो. IB is 0.7 milli plus IC is 0.87 milli. ठीक है, this is 1.57 milli ampere. Substitute करो इसमें. 1.57 milli. Sorry. Collector है ना ऊपर, ऊपर collector है. Collector क्या है? ये है 0.87 milli. अपॉन 1.57 मिली. मिली मिली गेट्स कैंसल, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड व्हाट एवर यू गेट द आंसर इज द आंसर. समझ में आया कैसे फाइंड करना है? एक अगर नहीं दिया है तो प्लीज यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर टूडे. And probably tomorrow we will start with a new chapter. Any doubts, please feel free to ask. Please pause the video and see carefully, listen carefully, take down notes. That would be very beneficial. Okay? Any doubts till here? I consider the silence as no. Okay? Theek hai fir? Chalo.